यह कहानी महाभारत काल की है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। नगर भ्रमण के दौरान उन्हें रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन को उस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को अपने पास बुलाया। वह अपने कमर पर लटकी सोने के सिक्कों से भरी पोटली उसे दे दी। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का धन्यवाद किया और वहां से घर के लिए चल पड़ा। वह रास्ते भर यही सोच रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह एक अच्छा सा घर खरीदेगा और अपनी पत्नी व बच्चों की सभी मांगों को पूरा करेगा और बचे हुए सिक्कों से एक छोटा सा व्यापार शुरू करेगा। लेकिन उस बेचारे ब्राह्मण को नहीं पता था कि उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। घर के रास्ते की एक सुनसान जगह पर एक लुटेरे ने उससे वह सोने के सिक्के से भरी पोटली छीनकर भाग गया। गरीब ब्राह्मण ने कुछ देर तक तो उस लुटेरे का पीछा किया, लेकिन जब वह लुटेरा उनके हाथ से निकल गया तो वह अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। वह दुखी मन से घर पहुंचा और अगले दिन से फिर भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन दोबारा नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को फिर से भिक्षा मांगते हुए देखा। यह देख अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस ब्राह्मण को इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी, इसके बाद भी यह भीख मांग रहा है। अर्जुन ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारी कहानी श्री कृष्ण और अर्जुन को सुनाई कि एक लुटेरे ने उसके सिक्कों की पोटली उससे छीन ली है। यह देखकर अर्जुन को फिर से उस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और अर्जुन ने इस बार अपने गले से हीरों की एक माला निकालकर उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने फिर दोनों का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर के लिए निकल पड़ा। ब्राह्मण घर पहुंचकर इस सोच में पड़ गया कि इस माला को रखूं कहां। उसके घर में एक पुराना मटका पड़ा हुआ था जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि इस पुराने मटके में किसी की नजर नहीं जाएगी, इसलिए चोरी के डर से उसने वह हीरों की माला उस पुराने मटके में रख दी। वह सुबह से भीख मांगते मांगते बहुत थक चुका था और अगली सुबह उसे भीख मांगने भी नहीं जाना था, इसलिए उस रात उसे बहुत गहरी और आराम की नींद आई। सुबह सुबह जब उसकी पत्नी पास की नदी में पानी भरने जा रही थी तो उसने देखा कि रोज वाले घड़े में एक छोटा सा छेद है, इसलिए वह उस पुराने घड़े को लेकर नदी में पानी भरने चली जाती है। जब वह घड़े को धोने के लिए उसे उल्टा करती है तो वह हीरों की माला नदी में गिर जाती है। जब सुबह सुबह वह गरीब ब्राह्मण उस पुराने मटके में पानी भरा देखता है और पत्नी से उसके बारे में पूछता है तो वह अपने दुर्भाग्य और किस्मत को कोसने लग जाता है। वह दुखी मन से उस दिन फिर भिक्षा मांगने नगर में जाता है। उस शाम फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले होते हैं। जब वे दोनों दोबारा उस गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखते हैं तो अर्जुन फिर उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुम अभी भी भिक्षा ही मांग रहे हो। तब वह ब्राह्मण उस हीरे के हार के खोने की सारी कहानी सुनाता है। कहानी सुन अर्जुन मन ही मन सोचते हैं कि इस ब्राह्मण की तो किस्मत ही खराब है, इसकी किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है। इस सारी घटना के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस बार मैं इस ब्राह्मण को दान देता हूं।
श्री कृष्ण ने एक छोटी सी मुद्रा उस ब्राह्मण को दान में दे दी। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। धन्यवाद करके वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जब मेरी सोने की मुद्राओं और हीरे के हार से उसका कुछ नहीं हुआ, तो भला आपकी इस छोटी सी मुद्रा से उसका क्या भला होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम बस उस ब्राह्मण का पीछा करो। यहां रास्ते में वह ब्राह्मण भी सोचता हुआ जा रहा था कि इतने बड़े राजा होकर श्री कृष्ण ने इतना छोटा सा दान दिया, इतने में तो मेरे परिवार के लिए एक दिन का खाना भी नहीं आएगा। वह ब्राह्मण यह सब सोचता हुआ जा ही रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी तड़प रही है। उसने सोचा कि इस एक सिक्के से मेरा तो भला होगा नहीं, इस बेचारी मछली का ही भला कर देता हूँ। उसने उस मछुआरे से उस मछली का मोल भाव कर उसे खरीद लिया और अपने भिक्षा पात्र में पानी भर के उस मछली को उसमें रख लिया। वह मछली को वापस नदी में डालने जा ही रहा था कि तभी उस मछली ने अपने मुंह से हीरों की एक माला उगली। यह वही माला थी जिसे उसकी पत्नी ने नदी में गिरा दिया था और फिर उस मछली ने उसे निगल लिया था। उस हीरे की माला को देखकर वह ब्राह्मण खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। किस्मत से उसी समय वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण से उसके सोने के सिक्कों की पोटली छीनी थी वहां से गुजर रहा था। जब उसने ब्राह्मण को जोर जोर से मिल गया यह चिल्लाते हुए सुना, तो उसे लगा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया, इसलिए वह जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के दरबार में मेरी शिकायत करेगा, जिससे मुझे दंड दिया जाएगा। दंड के भय से वह लुटेरा ब्राह्मण के पैर पकड़ने लगा और उसे वह सारी स्वर्ण मुद्राएं वापस कर वहां से चला गया। किसान ने खुशी खुशी उस मछली को नदी में वापस छोड़ा और अपने घर चला गया। यह सब देख अर्जुन श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हुए बिना ना रह सके। उन्होंने कहा, वासुदेव, जो काम स्वर्ण मुद्राओं की थैली और हीरे के हार ना कर पाए, वो आपकी इस छोटी सी मुद्रा ने कैसे कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह उसकी सोच का अंतर है। जब तुमने उस गरीब ब्राह्मण को सोने की मुद्राएं और हीरे का हार दिया, तो उसने सिर्फ खुद के सुख के विषय में सोचा, लेकिन जब मैंने उसे सिर्फ एक मुद्रा दी, तो उसने दूसरे के दुख को खत्म करने के विषय में सोचा, जिससे उसका दुख खुद ब खुद खत्म हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, सत्य तो ये है कि जब हम दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब हम दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब हम ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर हमारे साथ होते हैं। बुद्ध ने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया तो रास्ता भूल गया। उसने बहुत देर तक रास्ता खोजा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। वह बहुत ज़्यादा थक चुका था। भूख और प्यास के मारे वह व्याकुल होने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से ही बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास भी लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? लकड़हारे ने कहा, हाँ है, आओ बैठो, दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ, तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकाल कर एक मोटी सी रोटी
उसने राजा के सामने रख दी। उसमें थोड़ी सी सब्जी भी थी। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया और शांत होकर कहा, मैं यहाँ पास के ही एक बड़े से नगर का राजा हूँ। शिकार करने आया था पर रास्ता भूल गया हूँ। लकड़हारे ने रास्ता बता दिया। राजा ने जाते समय कहा, मुसीबत के समय तुमने मेरी सहायता की है, यदि तुमको कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। कुछ समय यूं ही गुजर गए। धीरे धीरे उस जंगल के सभी पेड़ समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर इनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे। वह बहुत दुखी हो गया। दुखी मन से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को याद हो आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। उसने सैनिकों को उस लकड़हारे को अपने पास लाने का आदेश दिया। सेवक लकड़हारे को राजा के पास ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस जंगल से मैं लकड़ियां काटता था वह समाप्त हो गया। अब वहां एक भी पेड़ नहीं बचे। अब जीविका का मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आपके राज्य में तो बहुत से जंगल हैं, अगर उसमें से कोई एक छोटा सा जंगल मिल जाए तो मैं भूखों मरने से बच जाऊँगा। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर राजा ने परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको इस बात की सूचना दे दी गई कि आज से यह वन तुम्हारा हुआ। कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा कि अब तो लकड़हारा एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका होगा। उसने कई बड़े बड़े भवन और महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया गया था, किंतु वहाँ कोई वन ना था, चंदन का कोई भी वृक्ष नहीं था। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह जंगल कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे गलत स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा, पदाधिकारियों ने कागजों की ओर, छानबीन करके बोले, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया, निराश, उदास, विचारमग्न। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ शेष रह गए हैं, थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्य से कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, बाकी वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, रोज लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ। यह सुनते ही राजा ने अपना सिर पीट लिया और दुखी होते हुए कहा, अरे भाग्यहीन, तुमने यह क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला,
चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में जाकर बेच दो, और हाँ, इसका कोयला मत बना देना। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा, लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा एकदम गंवार लगता है। यह देखकर उसने बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया, यह जानता है। उसने बोला, 2 रुपये। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 रुपये? दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 रुपये। लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4? कुछ ही दूर पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसे पुकारकर उसने कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपये दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपये का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया और चिल्ला उठा। अपना सर अपने घुटनों पर रखकर रोने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी मूल्यवान थी। उसने कितनी बड़ी संपत्ति का अपने हाथों से ही नाश कर दिया था। कहानी को खत्म करते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, उस लकड़हारे की मूर्खता पर आप लोगों को दया आ रही होगी, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की ही भांति हैं। राजाओं के राजा उस परम पिता परमेश्वर ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर हमें यह सांसें और यह चंदन सा जीवन दिया था, लेकिन हमने अपनी गलत वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से इसे जलाकर भस्म कर दिया है। कितनी मूल्यवान है यह सांसें, हमने इन्हें समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन वृक्षों से परिपूर्ण वन, जिसे हमने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि में जलाकर कोयला बना दिया है। परंतु जो होना था वह हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। अब जो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष, यानी कि अब जो हमारा आगे का समय बचा है, आओ इन्हीं का उचित उपयोग करें और अपने जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भर लें।